हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो सी, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सम ऑफ द केसेस. आज का लेक्चर थोड़ा रिकॉर्डेड रहेगा बिकॉज आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, बट टुडेज लेक्चर वुड बी ऑन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस, केस स्टडीज को लेकर आज का हमारा लेक्चर रहेगा. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, दी गोलकनाथ केस, फॉर एग्जाम्पल द मिनर्वा मिल्स केस, दी केशवानंद भारती केस. तो ऐसे दो तीन केसेस हम अच्छे से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. आई विल बी गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास. क्लास के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ. सो मेक श्योर कि आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखो, समझो. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम चैनल हमारे पास है ही अलग से, आप उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आई होप यू आर हैविंग योर नोट्स, रजिस्टर्स, नोट्स बनाने हैं साइमल्टेनियसली क्लास में मेरे साथ ही. आपको पता है क्लास का क्या सीन रहता है, हम क्लास में ही नोट्स बनाते हैं. ठीक है? ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज वेरी सून वी आर लॉन्चिंग अ 1 ईयर बैच ऑन शक्तिमान, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनल मेंटोरशिप. विमल सर विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनल मेंटोरशिप थ्रू आउट दिस 11 months का जर्नी. ओके? सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक वेरी सून. डू लेट मी नो अगर आपके कोई भी डाउट है उसको लेकर. लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करें आज का लेक्चर. चलो, सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड अंडरस्टैंड. हम सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. आर कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा संविधान, बेसिकली इट वॉज इनएक्टेड इन 1950. इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? ये तो हमको पता है. द पॉइंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज गॉन थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग अमेंडमेंट्स होते हुए गुजरा है. देर हैव बीन वेरी स्मॉल लिटिल अमेंडमेंट्स, चेंजेस हेयर एंड देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? एंड ऑल दोज अमेंडमेंट्स विच हैव बीन इम्पोज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन अंडर द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कीप्स एन आई ओवर ऑल द अमेंडमेंट्स टू मेक श्योर कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट वायोलेटेड. आपको ये भी पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, ओनली देन इट अलाउज दैट दोज अमेंडमेंट्स टू गो थ्रू, है ना, टू पास. सो सुप्रीम कोर्ट इज आर अल्टीमेट इंटरप्रेटर. ऑलवेज रिमेंबर हु इज द अल्टीमेट पर्सन हु इंटरप्रेट दीज अमेंडमेंट्स एंड ऑल दी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट जस्ट द इंटरप्रेटर, इट इज ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन. एंड दीज जजमेंट्स विच सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड, दीज जजमेंट्स हैव बिकम आर प्रोटेक्टर. एके गोपालन केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, थ्रू दीज केसेस वट एवर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टू अस, दोज वर्डिक्ट्स हैव प्रोटेक्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन. उन वर्डिक्ट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट यू शुड रिमेंबर, एंड यू कैन इंक्लूड दिस इन योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो. आप इसी को इंट्रोडक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हो. वेन यू एक्सप्लेन सर्टन केस, कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट दिस. ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया? फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973. Why this is the most important case? Because finally in this case we got to know about the basic structure of our constitution. We got to know ki government can do anything but cannot violate the basic structure of the constitution. The theme of this case was propagating basic structure doctrine as a safeguard against domination of government. अगर government बहुत ज्यादा dominate कर रही है कि it is bringing in changes here and there, you know, as per its own will, we can check that power of the government through basic structure. So whatever amendment government still brings, Supreme Court checks and sees that if that amendment is breaking the basic structure doctrine or not. If it is violating the basic structure, that amendment is cancelled. है ना? So that is the theme of this particular case. इस केस के वर्डिक्ट का थीम क्या है कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाए तो लाए, बट इस तरीके की डोमिनेशन गवर्नमेंट को नहीं है कि ऐसी अमेंडमेंट लेकर आ जाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही टूट जाए. बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू टू ब्रिंग अ बैलेंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. दिस पर्टिकुलर वर्डिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस पर्टिकुलर केस ब्रॉट अ शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पावर. वॉट काइंड ऑफ शिफ्ट?
वी नो कि बिफोर यू नो दिस केशवानंदा भारती केस, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, गवर्नमेंट कुड चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर द फंडामेंटल राइट्स। एके गोपालन केस में पढ़ा था ना कि सॉरी गोलकनाथ केस में हमने पढ़ा था, है ना, गोलकनाथ केस में क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के आप कोई भी अमेंडमेंट ले आओ किसी भी चीज के ऊपर। सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट स्टिल हैड अपर हैंड, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसका रोल ऊपर ही था क्योंकि वो कोई भी चेंज ला सकता है। बट नाउ द पावर वॉज मेंटेन्ड, नाउ गवर्नमेंट कैन ब्रिंग चेंजेस बट दोज चेंजेस शुड नॉट हिंडर विद द बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ देर इज अ पावर लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कोई ऊपर नहीं है, उसके पास भी बैलेंस्ड पावर है। इट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और ऑल्टर द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, इंटेग्रिटी, ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, है ना, वो सब हमने पढ़ा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेटेड बाय द कोर्ट रिप्रेजेंटेड व्हाट, दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अंडरलाइन इट एंड राइट इट डाउन, दिस रिप्रेजेंट्स, राइट इट डाउन, इसको लिख लो फटाफट से, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल, क्रिएटिविटी। इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? जुडिशियल क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इट मींस, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उतना क्रिएटिव है, कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट कैन टेक आउट सम पार्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन डिफाइन इनडायरेक्टली व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन दैट क्रिएटिविटी, दैट इज वाई वी गॉट 30 यू नो कॉम्पोनेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्टेड बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एटसेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट की क्रिएटिविटी इसी केस से निकल कर आती है कि जो चीज डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दी, व्हाट एवर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल्सो हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो ये केशवानंदा भारती केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट वी गॉट। ऑलराइट, आता है द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। बेसिकली द थीम ऑफ दिस केस वाज एक्सपैंडिंग द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ, इट इनिशियली मेंट, इनिशियली इसका मतलब क्या था, इनिशियली इट मेंट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर established by law, except the procedure established by law, no person can be deprived of his life or personal liberty. आप किसी से उसकी life या personal liberty नहीं छीन सकते, except word is there. अगर law कहता है तो that can be done. And before this judgment, courts were not allowed to question any law. इस जजमेंट से पहले पहले तो कोर्ट्स को अलाउ ये अलाउ ये अलाउंस ही नहीं था, ये परमिशन ही नहीं थी कि इफ एनी लॉ इज पास्ड व्हिच इज अटैकिंग द आर्टिकल 21 और व्हिच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 टू क्वेश्चन दैट, कोर्ट्स वर नॉट अलाउड। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट बिकेम द वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय गिविंग इटसेल्फ द पावर ऑफ सब्सटेंटिव रिव्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस बार आया था 2023 प्रीलिम्स में। दीज वन लाइनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। बड़े बड़ी कोई चीज नहीं पूछी जाती, ये वन लाइनर्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। सुप्रीम कोर्ट गेव इटसेल्फ इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट गेव इटसेल्फ द पावर ऑफ सब्सटेंटिव रिव्यू, विच मीन्स नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग मेयरली अ सुपरवाइजर to becoming a watchdog of Indian Constitution. Supreme Court said, we can question any law, no matter how arbitrary or oppressive it is. We were not allowed to question it, but now we can. If it is concerning Article 21 or right to life, we will question it. Now here, procedure established by law under Article 21 means due process of law. Ek hota hai, procedure established kar diya. Ek hai, due process of law. That means all the valid process these amendments have to cross if they want to become an act. ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने बोला और हो गया एक्ट बन गया, नहीं, अब आपको पूरा प्रोसीजर देना पड़ेगा, हम रिव्यू करेंगे आपके अमेंडमेंट को। अगर आर्टिकल 21 या राइट टू लाइफ से रिलेटेड अमेंडमेंट है, वी विल रिव्यू ईच एंड एवरी स्टेप, ओनली देन वी विल पास इट। वी आर द वॉच डॉग,
वॉच डॉग मतलब क्या होता है, जो गार्ड करता है, वॉच डॉग इज द गार्ड, गार्जियन. सो वी आर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी गार्ड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस मीन्स नाउ सुप्रीम कोर्ट विल कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ दी लॉ दैट यू वॉन्ट टू पास. सो सुप्रीम कोर्ट सेड नाउ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट. नाउ दिस वॉज चेंज्ड इन दिस केस, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट बिकम द वॉच डॉग. सो दे चेंज द लाइन ऑफ दिस एक्ट. दे सेड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, राइट इट डाउन, अकॉर्डिंग टू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय वैलिड लॉ. सो नाउ यू कैन सी स्टेटमेंट बदल गया तो मीनिंग बदल गया. वेन द स्टेटमेंट चेंजेस द मीनिंग चेंजेस. सो दिस लाइन वॉज रिमूव्ड बाई सुप्रीम कोर्ट एंड दिस सेड अकॉर्डिंग टू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई वैलिड लॉ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉज. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो सेकंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज ऑल्सो क्लियर. ये केस भी हमारा क्लियर हो गया. दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज आस्ड इन यूपीएससी प्री 2023, दिस ईयर दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मोस्टली ईजी आए थे अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. इन एसेंस वॉट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी. ठीक है, सो आंसर दिस वेरी केयरफुली. ऑप्शन ए इज सेइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन बी इज सेइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ऑप्शन सी इज सेइंग फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन डी इज सेइंग इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो देखो अभी अभी जस्ट वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज रॉन्ग. इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नो, सुप्रीम कोर्ट चेंज्ड इट्स रोल फ्रॉम अ सुपरवाइजर टू अ वॉच डॉग, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है. करेक्ट आंसर है आपका फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ओवर हियर. फेयर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय वैलिड लॉ, फेयर जस्ट एप्लीकेशन, फेयर एप्लीकेशन, रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ. सो ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस, लेट अस अंडरस्टैंड. ड्यू प्रोसेस रेफर्स टू जस्ट, इट रेफर्स टू रैशनल, इट रेफर्स टू फेयर एंड द फेयर ट्रीटमेंट, द फेयर ट्रीटमेंट अंडर अंडर द जुडिशियल, रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. चलो रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही है उसमें लॉ का जस्ट ट्रीटमेंट, रैशनल प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं. फेयर एप्लीकेशन, जस्ट एप्लीकेशन, रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और लिबर्टी विदाउट अडेयरिंग टू द रिक्वायर्ड लीगल प्रोसीजर्स. ओके, दैट इज, सो बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करता क्या है, व्हाट डज इट डू, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट इट डाउन. इट लिमिट्स द पावर ऑफ लॉ, इट लिमिट्स द पावर ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स राइट्स. तो ये पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिविजुअल्स राइट्स. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो दिस वॉज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन. अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ. ठीक है, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फुल स्टॉप. डिस्कस द सिग्निफिकेंस, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. दिस विल बी अ 15 मार्क क्वेश्चन. ये आपका 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैन बी एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव इंट्रोडक्शन, यू कैन गिव इंट्रोडक्शन लाइक दिस. यहाँ पर ये जो मैंने दिया था ना आपको, ये इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो. ठीक है, आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हेन डिड वी गेट दिस टर्म, ये टर्म हमें क्यों मिला, कब मिला. देन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस,
मैं यहाँ पर फीचर्स नहीं पूछ रही मेनका गांधी केस के, इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट बिकेम ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ सुपरवाइजर टू अ वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव शक्तिमान यू कैन ब्रेन स्टॉर्म ऑन शक्तिमान टुनाइट। आज बैठ के आप शक्तिमान के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, ठीक है, उससे बात करके इस फैक्ट्स मटीरियल गेन कर सकते हो, देन यू कैन राइट द आंसर एंड सबमिट योर आंसर बाय टुमोरो 4 PM। कल शाम 4 बजे तक अपने आंसर्स को आपको PDF फॉर्मेट में सबमिट करने हैं ऑन प्लेन A4 साइज व्हाइट शीट। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क टुडे। आई एम प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर आपने ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, नोबडी कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम मोर पावरफुल देन अदर स्टूडेंट्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, डोंट स्किप देम। ऑलराइट, सबमिट योर आंसर्स बाय टुमारो 4 PM on the group. The students who have been enrolled in the batch, they will submit the answer in the group. If you are not enrolled in the batch, submit your answer at this particular email ID. Okay? We'll meet tomorrow. कल मिलते हैं। ये बहुत important cases है, इसको आपको बहुत अच्छे से आज पढ़ना है, थोड़ा सा शक्तिमान के साथ brainstorming करनी है बैठकर, ये याद रखना। All right?